लिया को अच्छा से नेक मिला, भगवान अच्छे रखे, जोड़ी बनी रहे, मेरी गुड़िया अच्छी रहे, मेरे सब लोग अच्छे रहे। ओके बाय बाय, सी यू, बाय बाय। हाँ भाई तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। कैसे आप लोग, उम्मीद करते अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो गाइस आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आप मतलब सोच नहीं सकते कितनी खुशी है। मतलब मेरी कोई रियल सिस्टर नहीं है, लेकिन मौसी की लड़की, हम मतलब शुरू से छोटे साथ रहे ना, आप समझ सकते हो कितना मतलब उससे है, बहुत ज्यादा प्यार है। आप मतलब क्या ही बताऊँ, मैं आपको बता रही थी, कॉल आ गई थी बीच में, तो मौसी की लड़की की शादी, तो हम जा रहे हैं। मम्मी आज मेरी कितनी सुंदर लग रही है, मम्मी तो रेडी हो चुकी, मैं वहीं पर जाके रेडी होंगी। और सामान लेते हैं, हम कहाँ है, टाइम का है, है कुछ अच्छे कपड़ा। अच्छा तो फिर चलते हैं, फिर चले सामान रख लेना, कुछ नहीं, चार्जर ले लो, चश्मा रख लेना, चार्जर ले लो, तैयार रह चुके, जो आएगा तैयार कर, बर्ड्स किन के चुरा लिया, अल्लाह कर ले। आप देख सकते हो ये माँ का पार्लर, ये मतलब कि पहले दूसरी जगह था, शास्त्री चौराहे पर था, अब दूसरी जगह हो गया। तो चलते हैं, ठीक है, पार्लर के अंदर। न्यू खुला है कल, इसकी फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी हेयर स्टाइल नहीं बनी है, तो मुझे रेडी किया। मैंने सोचा था कि युग भाई रेडी करेंगे, लेकिन युग भाई ने रेडी नहीं किया। इस बार माँ के पार्लर में नई मेकअप आर्टिस्ट आई है, इनसे मिलो, क्या नाम है आपका, आसमा, आपके चैनल का नाम है आसमा खान सदाती। अगर किसी को इटावा में रहकर इनसे मेकअप कराना है, मेकअप के रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी करनी, कुछ भी, तो इनसे आप कर सकते हैं। इनकी स्टाइल ये बताइए, स्टाइल क्या है, मेरी स्टाइल है आसमा खान जाती, आई एम आसमा खान जाती। तो इनसे आप बात कर सकते हो, बाकी मेरे प्रोफाइल पे इनका कुछ ना वीडियो या फिर कुछ भी कॉलेज आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सके। बाकी मुझे मेकअप बहुत अच्छा लगा, तो प्लीज आप लोग इनको भी सपोर्ट करें। थैंक यू। तो गाइस तैयार हो चुके, देखो आप कितने प्यार लग रही हो, सच में इतना प्यार देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा, इतना अच्छा नेचर सबका, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारे सारे लोग। तो कैसे लगा आज दोबारा मिलना, बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ, अच्छा बहुत अच्छा लगा, ठीक है, गाइस प्रेमा को दे सकते हो, मौसी है नानी वाली लुक में, बढ़िया एकदम, काय ऐसे अच्छी लगती होंगी, हाँ साड़ी क्या सुंदर लगती, मानो करो, देखो देखो, हाँ अच्छी लगती है, और कुछ हाँ जय अच्छी लगती तुम, साड़ी पहने हैं, हैं मम्मी, आज भूमि तुम्हें सौर वाले काम कर ले, समझा रही, बस सौर वाले काम करते नहीं, समझा रही। तो आज भूमि बहुत अच्छी लग रही है, पता क्या कहना, पहली बार ना तो भाभी को जूड़ा छोड़ा ही नहीं, इतनी मतलब हमें मैं छोड़ दूंगा, थोड़े दिन बाद साड़ी में आ जाइए, अब भाभी कितनी अच्छी लगी, देख लो भाभी को जवाब ही नहीं है, तुम अब तुम हो तो ठीक आ रहे, भाभी तो ध्यान लग जाओ, तुम सास हो, मैं बहू है, फर्क तो हो गया ना, और प्रेमा को देख लियो, प्रेमा के आगे तो कुछ है ही नहीं है। तो गाइस ये गेस्ट हाउस देख सकते हो, कितना प्यारा गेस्ट हाउस है, बहुत अच्छा सब कुछ है, तो गाइस हम बाहर है, तो गाइस हम जा रहे हैं गांजा को लेने के लिए, थोड़ा कुछ खा लिया, तो चलते हैं गांजा, बैठे हैं अपने, अंश बोले हो बस, चलो आओ ना, ये थोड़े दिन पहले ही प्रोग्राम होने वाला था, प्रोग्राम हुआ नहीं, देखो मेरी ये पोस्टर लगी बीच बाजार में लगी, देखा नाम आप लोग, ये मेरी कैफे पे यहाँ पे ये तैयार है, ठंड के मारे सुखड़ी है नहीं, वो लहंगा पहन के लहंगा, भाई उन्होंने मुझे 10 घंटे पहले बुला लिया है, जे नहीं कि मतलब टाइम पे बुलाती, लिपस्टिक खराब है, मोहम्मद बना लहंगा पहनाओ, बहुत भारी है, दूल्हा अंकित कैसे मिले तुम्हें, मैम जल्दी कर दो थोड़ा, लहंगा पहनाओ, चलो फटो फट, देखो पूछ दे पूछ, मैम को से काम करी, मैम से पूछो, पूछती है
हम का खाए है कजू नहीं खाए मैडम का लहंगा है कच ले चली खुशी को जा रहा खुशी को सामान गुम बेगा वो ये जल्दी जब जा रही उदास है अच्छा नहीं लग रहा है गुस्सा मैडम गुस्सा जावे आराम से कहो दिन आमो कल कहो दिन आमे तैयार करी तुम ठीक है अच्छी लग रही बहुत फाइनली मतलब आप लोगों से मैंने बोला था ना कि कितनी खुशी थी मुझे ये है ही तैयार अच्छी लग रही मैडम तुम भागा लगा नहीं है दुल्हन फाइनली रेडी हो चुकी है चल रहे हैं चल रहे तुम्हारे चक्कर आकांक्षा देख के तो गाइस हम लोग जा रहे हैं गेस्ट हाउस में बहुत लेट कर दीदी नहीं बन पा रही सब बन रहे तो दिमाग खराब है बैठ कैसे बैठ जाए मरे गए यार ला चुके हो दीदी ला चुके हो सभी लहंगा पहने तो बने काम में आइए हेलो 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 आइए आपका इंतजार है लो भाई जीजू को देखो पहले ले दिखाया तो लट गए ये सर ऊपर इनको चक नहीं मारो गाइस हम लोग आए थे कपड़ा चेंज करने के लिए तो हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए सब लोगों ने मैंने मौसी ने और मौसी भी आ गई है मौसी में कितनी सुंदर है जे ऐसी वेश में अच्छी लगती है जब ब्याह वालों वेश में आए तो बेकार लगती है हर कोई लड़की हो या कोई बहू हो अब साड़ी में ही अच्छी लगती है तो बस में जे आंसर हम लोग कपड़े चेंज कर चुके अब चल रहे गेस्ट हाउस चले तो भाई सुबह के 6 बज चुके हैं कन्यादान हो रहा है तो जे आकांक्षा बैठी है जे अंकित बैठी है जे मौसी कन्यादान ले होगी आई मम्मी कन्यादान लेने जाएंगे गाइस भैया ये कन्यादान ले रहे हैं देख सकते हो आप लोग और सब कन्यादान ले चुके लास्ट भैया ने कन्यादान लिया है तो गाइस आकांक्षा के फाइनली बिछिया दो रहे हैं और अंकित की हो चुकी है देख सकते हो आप लोग पहले ही इधर बैठी तभी इधर तो ना मतलब तो अंकित की ले सर में आ गए उठा ले जल्दी तो हम जूता चुराने जा रहे हैं देखो जल्दी जल्दी अरे
रख लो तुम इसके अंदर। तो गाइस यहाँ पे ये ढूंढ लेते इनके देवर, मेरे जीजा जी के देवर, तो हम लोग कहीं और लेके चल रहे हैं जूते। चलो आओ, जूता नहीं है, जूता पता नहीं कहाँ चले गए, अंदर ध्यान हो गए। यार अभी रख रहे हो ना, ऐसी जगह रखो कि वो ढूंढ ना पाए, देखो सब देख रहे हैं। अरे तो कैसे ढूंढ लिए कब्जी का, ये देखो उसके पेट के अंदर जूते में इसमें चुबा रही हूँ, देखो आप बोलो। हाँ जूता तो जूता जिया तुम भाग साली हो, तुम आओ जूता क्या रखो। हाँ भाई तो उद्घाटन हो गया उसका। एक ही लेके आई, एक ही ले आई थी, एक ही ले आई थी। हाँ तो ठीक है, चाबी चाबी है, अब चलते मौज मजे करेंगे। अब है ना बुलवा लो, आज चैनल लेके माने, चैनल तो कुछ लोग दे अच्छी चीज दे, मतलब पैसा ऐसा कुछ कर दे, तो उधार करने पर है चैनल तो 50,000 रुपए दो। शादी में किसकी शादी थी? ये मेरी सिस्टर की शादी थी। आपकी सिस्टर अच्छी रहे, फले फूल हैं सदा। आप मेरे पास आके कहो ना आपकी गुड़िया का हमने नेक लिया, खूब अच्छा से नेक मिला, भगवान अच्छे रखे, जोड़ी बनी रहे, मेरी गुड़िया अच्छी रहे, मेरे सब लोग अच्छे रहे। ओके बाय बाय, सी यू, बाय बाय। तो गाइस मांग भर चुकी है, तो वैसे इनके यहाँ पे मंगलसूत्र नहीं पहना जाता, चैन भरा जाते नहीं पहना जाता। गाइस देख सकते हो आप लोग, ये गोद भरी जा रही है, देख लो जो बहन हो ये वजन को है वो अम्मी जी नंदोई जय कुल देवी ने बताओ जय अब ले जा थोड़ा और था वो नहीं देव को भी जो तो और भैया यहां पे 50,000 का है। हां हाथों ने मांगन दो ना फिर चुके हैं फाइनली घर पे, इतने थक गए ना पूछ मैं। शाम को मेरे मामा की लड़की की शादी है, एक तो दो शादी इकट्ठी पड़ गई ना, तो मैं तो घर बैठा रो रहा था। सच में मतलब बहुत बड़ा लगता जब घर से विदा होता है कोई, है ना। तो गाइस मैं आ चूँ शाम, अब मैं सोने जा रही हूँ, सोने के बाद शाम को नहाऊंगी, उसका कुछ करूँगी। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं लव यू ऑल।